हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय मनाली ब्लॉग। आज आप मेरे साथ हैं माता हडिम्बा जी के टेंपल में, और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है आज। और जो ब्लॉग मैंने बनाया है वो डायरेक्ट इसी टेंपल से बनाया है, क्योंकि बहुत गर्मी है और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आज मंडे है, मंडे होने की वजह से काफ़ी लोकल्स जो हैं यहाँ पे पूजा करने आए हैं, तो हम भी आए हैं। तो आज जो कार्यक्रम बना है टेंपल में आने का, सारे टेंपल में गए हम। सबसे पहले महादेव जी के जो मनाली की टेंपल है सियाली महादेव, वहाँ गए। और अभी हम यहाँ हडिम्बा माता जी के टेंपल में आए, लास्ट में से हम यहाँ पर आए हैं। तो माता जी का आज था कि आज हम और माता जी जाएँ। और ये मोनेस्ट्री है 1553 में बनी, सभी टेंपल के दर्शन करें। ये है एग्जिट पॉइंट, पहले एंट्री और एग्जिट फ्रंट से होती थी, बट अब लेफ्ट और राइट कर दिया। इतने टूरिस्ट भी नहीं है, इतना क्राउड नहीं है, बट आफ्टर 12 o'clock और लंच के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए और क्राउड हो गया, जिसमें लाइन लगी। तो हमने अंदर जाके पूजा की, दर्शन किए अच्छे से, और अच्छे से आराम से पूजा की। और जो ये भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, काफ़ी पुराना है और काफ़ी भव्य है और यूनिक है। इन्हें यहाँ पर इसे देखना और यहाँ पर दर्शन करना और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बैठना है, पावरफुल और एक बहुत ही मन को शांति देने वाला पल रहता है। और अभी आजकल इतनी भीड़ नहीं है, नहीं तो दर्शन भी आराम से नहीं होता है। तो अभी तो बहुत ही शांतिपूर्वक और आराम से दर्शन हो गए, नहीं तो बहुत क्राउड होता है। और इस तरह से नोटिस बोर्ड लगानी पड़ती है। अब हम जा रहे हैं घटोत्कच टेंपल में, और ये थोड़ी ही दूरी पर है, ये रास्ता है, यहाँ से सीधा जाते हैं हम जा रहे हैं घटोत्कच में। और बीच में मैदान, स्टेडियम, यहाँ पर देवताओं को रखा जाता है मेले के दिन जब आते हैं, और यहाँ पे डांस और प्रोग्राम होता है। ये है डुंगरी गांव को जाने वाला रास्ता। ये डुंगरी गांव है, अली डीपीएस स्कूल भी इसके आगे ही है। तो हम आगे पेड़ है पीछे वाला, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई, नहीं बनाई मैंने वीडियो। और फिर मॉम को बहुत तेज़ भूख लग गई, नहीं कहाँ कॉर्नर में थी, आदत नहीं है, भूखे पेट आए थे हम मंदिर को। और काफ़ी हाई फाई और टूरिस्ट टाइप का ढाबा है। एंड देन वी आर बैक टू अगेन हडिम्बा टेंपल, ये करते हैं। फिर उसके हमने फ़ोटो खिंचाए और फिर हम आए शांतिपूर्ण गोम्पा में, मोनेस्ट्री में, मनाली के मोनेस्ट्री में, थोड़ा सा अपने मन को और शांत करने के लिए यहाँ पर आ गए। एंड देन कुछ शॉपिंग के बाद बाय बाय।